जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम। चलो आवाज तो सही हुई भाई की। मैं ठीक हूँ, आप कैसे प्यारे भाई? मैं भी ठीक ठाक हूँ। असल में माइक शायद मैंने बंद कर दिया था पहले। मैं न्यू ना, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम में। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं। सर नमाजें पढ़ते हैं? बेसिकली हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। हाँ ठीक है, कुरान को मान लेना तो अच्छा। वो फिर नमाज नहीं पढ़ते आप? जो मौजूदा नमाज बनाई गई उसको नहीं पढ़ते। अच्छा चलिए, मेरे को आयतुल कुर्सी सुना दे ताकि मालूम पड़े आप वाकई में कुरान को भी पढ़े हैं या नहीं पढ़े। बेसिकली आपको मैं एक बात बताऊं, वैसे मुझे कुरान को तो मैं पढ़ा हुआ, मुझे ये पता है कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है, बट ये कि मैं पूरा कुरान याद नहीं किया हुआ। हाँ क्योंकि हम पूरा कुरान याद नहीं बोल रहा हूँ भाई। बात सुने, ये हाँ आयतल जिस तरह शुरू होती है ना, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु, हम पूरा याद नहीं हाँ करते। पूरा। कुरान में कहीं नहीं लिखा कुरान को याद करो, ठीक है ना? हाँ लेकिन कुछ याद है क्या नहीं याद है? मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि मैं कुरान को मानता हूँ, फॉलो करता हूँ। याद करना उस तरह से अरे कंपलसरी नहीं पहले है। कुरान कभी बने आप? मैं बेसिकली 5 साल हो गए हैं। 5 साल हुआ ना, आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। अच्छा 18 साल है, 5 साल मतलब हो गया तुम्हारा, 13 साल में अहले कुरान बने। तो 13 साल से पहले माँ बाप ने घर पे कुछ सूरा वगैरह तो सिखाया होगा? हाँ, सूरह कौसर, कुल हु अल्लाहु अहद भी है, मतलब काफी पढ़े हैं। ओके सुनाओ, 5-6 सूरे सुनाओ फटाफट। कुल औजु बि रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से और इंसानों में से। इसके ओके अलावा कुल लहु अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है, ये चीजें काफी ना है, कंपलसरी नहीं होती। ठीक है समझ गया मैं। अच्छा ये बताए कि ये अल्लाह जो है वो जानवरों पे जुल्म क्यों करता है, तकलीफ क्यों देता है जानवरों को? बेसिकली अभी मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता ही नहीं हूँ। नहीं ऐसा कैसा, आप पहले कुरान है, आप इस्लाम को मानते हैं, आपका अल्लाह की फिलॉसफी तो आपको पता होनी चाहिए जी है ना। फिलॉसफी अगर सही नहीं रहेगी तो फिर बाकी चीज को तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, हाँ तो तो अल्लाह जानवरों पे बाकी जुल्म क्यों करता है? अच्छा, वैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में कि तुम्हारे तुम्हारे लिए इनमें एक वक्त तक फायदा है, सुम्मा मुहिल्लुहा इलल बैतल अतीक, फिर इसके हलाल होने की जगह बैतल अतीक है। वैसे तो आप हलाल कर ही नहीं सकते, समझ रहे हैं? मैं हलाल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह जानवरों पे जुल्म क्यों करता है, उसको तकलीफ क्यों देता है? तकलीफ किस सेंस में देता है? जानवरों को पेन होता है अगर उसको कोई जिंदा खाएगा तो? जी होगा। ओके क्या एक जानवर दूसरे जानवर को जिंदा खाता है? जी खाता है। ओके वो जानवर को तकलीफ होती है जब दूसरा जानवर इसको जिंदा खाता है? जी होती है। ओके ये पेन जो है उसके अंदर किसने डाला? अल्लाह ने डाला। अच्छा तो फिर ये पेन क्यों डाला अल्लाह ने जानवरों के अंदर? देखें, ये जो भी चीज है ना, कोई तो जो भी गॉड है, जो भी गॉड है, यहाँ अगर मैं अल्लाह की बात ना भी करूं, जो भी नहीं निजाम हमको चला अल्लाह रहा की करना है, बाकी का छोड़ दो, बाकी के जो दूसरे मानने वाले हैं वो लोग सोच ठीक है, लेंगे बात नहीं, कि क्यों जो डाला। भी सुनो है, मेरी बात, बात सुन नहीं सुन अल इस्लाम मेरी बात सुनो अच्छे से, बैसाखी पे नहीं आना है। दूसरा कोई गॉड है उसके मानने वाले हैं वो अपना देख लेंगे कि उनके ठीक नजदीक है। क्या आइडियोलॉजी है, क्या फिलोसफी है, क्यों डाला क्यों नहीं डाला वो उन लोग देख लेंगे। ठीक है आप दूसरे खुदा को मानने वाले नहीं है, आप अपने अल्लाह को मानने वाले, तो अल्लाह पे रहिए। हाँ बताइए कि क्यों तकलीफ देता है अल्लाह जानवरों को? देखें, जानवरों को ये तकलीफ जो है, हो सकता है कि उसके बाद आपको, ये तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, क्या पता उसकी सोल अल्लाह पहले निकाल लेता हो, या हो सकता है कि
वो ये तो सोल अल्लाह पहले ने निकाल लेता है, सोल निकलने के बना बाद, सोल निकलने के बाद पेन होता है उन लोगों को। भाई, ये बात जरूरी नहीं, हो सकता है उसके बाद वो जन्नत में जाते हैं, उनके लिए वो वाला जो पेन उन्हें गुजारा वो कुछ भी ना उसके सामने। भाई हो सकता नहीं है, पक्की बात बताना है। जैसे अल्लाह ने जो जन्नत में जाएंगे उनके बारे में तो बता दिया है, इंसान और जिन्नात, क्योंकि है ना। इंसान बेसिकली ऐसी चीज है ना, इसको मैस चाहिए क्योंकि ये मैस का ही बना हुआ है, इसको खाने के लिए मैस तो इसको खाना ही है। इंसान रहेगा जब तक पृथ्वी पे, तो यहाँ पर दरख्त भी काटेगा क्योंकि उसे कुर्सी बनानी है, घर की चीजें बनानी है, वो एनवायरनमेंट खराब करेगा, दूसरों को नुकसान देगा ही देगा। अल्लाह ने हमें ये वो मैं सुपीरिटी दी है, इसलिए हमें भाई चाहिए। बात सुनो, भाई देखो, सुपीरियरिटी दी है उस पे सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जानवरों को क्यों तकलीफ दे रहा है जानवरों को हाँ, क्या सेंस तो है, क्या तकलीफ अच्छा है, क्यों रहम नहीं किया अल्लाह ने जानवरों पे, हालांकि उनका तो कोई टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट तो इंसानों का और जिनों का है, जी, जानवरों का तो कोई टेस्ट भी नहीं है। कि चलो भाई ठीक है, उनका भी एक टेस्ट है तो इस वजह से तकलीफ दे रहा है। वो टेस्ट का फेज गुजरने के बाद जो है, जैसे इंसानों के साथ मामला होगा वैसे उनके साथ भी मामला होगा, जन्नत जहन्नम मिलेगी तो सब फिर भी समझ में आएगा, थोड़ा लॉजिकल लगेगा। इनका तो कोई टेस्ट नहीं है, जन्नत जहन्नम इंसानों और जिनों के लिए है, कुरान जो है कई मुकाम पे कहता है, तो ये क्यों इनको कुरान क्यों पाक में तकलीफ लिखा हुआ है, इज़ल वहूश वहुशरत, और जब वहेशी जमा किए जाएंगे है। हाँ तो वहेशी भी और जमा भाई किए जाएंगे। जमा किए जाएंगे तो उसको क्या जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी? ये तो अल्लाह पे है, क्या पता वो दे। बड़े नहीं क्या पता, नहीं पता जो है वो तो अल्लाह ने बता दिया है ना ऑलरेडी हुदहुद कुरान में, जिनों का और जब जिक्र इंसान करता है, का। एक मिनट, जिन्हों और इंसान का बताया नहीं बताया? बताया बताया है ना। तो जो जन्नत और जी। जहन्नम जिसके लिए बनाई गई है और वो जो टेस्ट रखा है वो तो अल्लाह ने बता दिया है ना। तो कुरान ने आपको जानवरों का नहीं बताया कि इनका टेस्ट है और इनको अल्लाह जन्नत जहन्नम देगा, उनको ये तो अकल हमें भी नहीं है, कुरान में जो हमें चीज इंसानों की बताई तरह जाती अकल। है, हाँ मैं कह रहा हूँ कुरान में जो हमें चीज बताई जाती है, कुरान में अल्लाह ताला हमें बताता है हमारे लिए उसने क्या बनाया। इंसान को इंसान के बारे में बताएगा, तो जानवरों के बारे में किसको बताएगा? जानवर जानवरों जानते के लिए हैं अलग बट किताब भेजी है अल्लाह, क्या? देखिए ये अल्लाह ताला ने मखलूकात को बनाया तो मखलूकात पे ही था कि वो कितना ज्यादा अपने आप को जानवर आगे अल्लाह जो है बढ़ाना दूसरे चाहिए। के बारे में नहीं बताता, जानवर और क्या कहते हैं उसको, पहाड़ वहाड़ के बारे में अल्लाह बात नहीं करता? बात करता है अल्लाह ताला कुरान में। हाँ, करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह दूसरों के बारे में बात हमें नहीं करता। बात करता है, मगर हमें ये नहीं बताया जाएगा कि हमने छुपकली को क्या कहते हैं उसको, हमने छुपकली के साथ ऐसा किया, उसको हमने मतलब भाई उसको हमसे तू क्या किया बात वो सवाल नहीं करें है, भाई हमारे तूने क्या किया वो सवाल नहीं है। जानवरों को अल्लाह तकलीफ क्यों दे रहा है, हालांकि उसके लिए ना जन्नत है ना जहन्नम। इस चीज से कुरान रिजेक्ट कैसे हो रहा है? इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि आपका अल्लाह जालिम नजर आ रहा है, जालिम है वो, अल्लाह नहीं होगा बिना अगर सभी किसी। जानवरों का कत्ल होगा, शेर खाएगा हाँ बकरी को, शेर हिरन को खाएगा तब भी, जानवर का तब भी कत्ल होगा। हाँ तो वही तो कह रहा हूं मैं, तो वो तकलीफ क्यों दिया? शेर जो है वो हिरन को अगर खाएगा, ऐसा सुन मेरी बात, शेर जी जो हिरन को खाएगा या बकरे को खाएगा या किसी को भी खाएगा, तो ये जो जी सिफत उसके अंदर डाली है खाने की, ये अल्लाह ने डाली है ना, ये किसी और ने जी डाली है? तो अल्लाह ने डाली है। अल्लाह ये ऐसा निजाम अल्लाह ने क्यों बनाया, क्यों जुल्म किया उसने? ये आपके नजदीक हो सकता है ह्यूमैनिटी के तौर पर, ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि प्रॉफिट्स भी अल्लाह से लड़ते रहे हैं, अक्सर आता है कुरान में। तो आप भी लड़ो अल्लाह से कि क्यों तुम जालिम हो जानवरों के ना लिए, लड़ो बात जरा। ये नहीं, बात वो नहीं है, हाँ इस चीज से क्या बात, कौन रिजेक्ट करता है? जो भी अगर मैं तुम्हारा अल्लाह अल्लाह ही रिजेक्ट कर रहा ने है? सुने, जानवर का कत्ल होगा ही होगा, इस्लाम होगा या नहीं होगा, शेर खाएगा बकरी को, वो पौधे खाने शुरू नहीं करेगा। हाँ तो या तो अल्लाह को रिजेक्ट कर दो, अल्लाह को मैं क्यों रिजेक्ट करूं, शेर तो फिर भी क्योंकि बकरी को उसने खा क्यों, रहा क्योंकि है, वो जानवर का अल्लाह कत्ल उसके हो ही अल्लाह नहीं ने होगा। उसके अंदर वो डाला है ना भाई। अगर अल्लाह को हटा दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
अल्लाह को घुसेड़ोगे तो फिर मानो कि अल्लाह जालिम है। नहीं मैं क्यों मानूं? तो उसने क्यों डाला, तकलीफ क्यों दी जानवर को? अगर अल्लाह नहीं है जानवर को तो तब भी तकलीफ जा रही है। हाँ ठीक है, तो भाई तो सेंस बनता है ना कि कोई अल्लाह नहीं है, इस वजह से ये नेचर है, नेचर का हिस्सा है, चल रहा है मामला। अल्लाह को अगर बीच में डालोगे तो अल्लाह को आप जो है रहम वाला कैसे साबित करोगे जानवरों के लिए? वो तो जुल्म कर रहा है। वो उससे हम सवाल नहीं कर सकते, वो सुपीरियर है, उसने हमें सुपीरियर। आपको उसने सुपीरियरिटी दी है तो अच्छा तुम सवाल मत करो, तुम सिर्फ इतना मान लो कि अल्लाह जानवरों के लिए जालिम है, मत सवाल करो। ठीक है, बोल दो कि जालिम अल्लाह है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है सवाल जवाब करने का, लेकिन है जालिम अल्लाह, इतना मान। मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं हो सकता जालिम अगर साबित हो रहा है। सुनो मेरी बात, आपने कहा कि हम सवाल नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप अल्लाह से जो है ये सवाल मत करो, लेकिन मानो कि अल्लाह जालिम है और उसके बाद ऐसे जालिम अल्लाह की इबादत करो, कोई मुश्किल नहीं। और अगर अल्लाह जालिम हो ही ना, अल्लाह उसकी जो जान है वो पहले ही निकाल लेता हो। नहीं निकालता ना भाई, जिंदा रहता है, तड़पता है, कितना पढ़े लिखे हो तुम? वो तड़पता है, वो तड़पता है, बात सही है, वो जिंदा नहीं होता है। हाँ मगर वो भी हमें इतना ज्यादा अल्लाह के इल्म का हमें इतना नॉलेज नहीं है, क्या पता हमारे लिए ऐसे ही होता हो। क्या वैसे होता हो? क्या हमारे लिए ऐसे ही होता हो, जानवर तड़प रहा है, मर रहा है, क्या पता रियल में ऐसा ना होता। वाकई में तड़पता नहीं है, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई? भाई बात वो है, साइंटिफिक वे पे जानवर तड़पता है। ये बता कि तू ये कह रहा है कि तुझे ये नहीं मालूम कि जानवर को तकलीफ होती है नहीं होती है? हो सकता है तकलीफ नहीं होती, तो फिर भाई तकलीफ होती है, मगर अल्लाह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जालिम है ना, फिर वो इतना मान ले कि जालिम है बस, फिर बोल मैंने कुछ भी कर सकता बताया। अगर वो कुछ भी कर सकता है, आपको क्या पता जानवर के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, क्या पता वो इतना ज्यादा खुश हो के उसके लिए वो मायने ना रखती। क्या नहीं हो सकता है पे बात नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बता दिया है कि जन्नत जहन्नम जो है वो इंसान और जिनों के लिए, टेस्ट जो है वो इंसान और जिनों के लिए, ये अल्लाह ने बता दिया है, तो हो सकते में गेम नहीं होती है। आप ये बताएं कुरान में ये कहां लिखा है कि जानवर जो है वो जन्नत में नहीं डाले जाएंगे? क्योंकि जन्नत और जहन्नम की बात अल्लाह इंसानों के लिए ही करता है, तो बात ही अल्लाह ताला ने पैगंबर इंसान। अच्छा आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो सुअर भी जन्नत में जाएंगे? हाँ जा सकते हैं, सुअर में क्या मसला है? अच्छा सुअर भी जन्नत में जाएंगे, जा सकते हैं। ओके, और क्या क्राइटेरिया है जन्नत जहन्नम का जानवरों के लिए? मतलब इसको उर्दू में थोड़ा क्या क्राइटेरिया क्या है, मतलब मुझे वर्ड समझ में का, जैसा आप लोगों के लिए ईमान क्राइटेरिया है, आमाल क्राइटेरिया है, जानवरों के लिए क्या क्राइटेरिया है जन्नत जहन्नम जाने का? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, मैंने कहा कि ये हमें इसका इतना नॉलेज नहीं है, ये जो है ये, तुम क्या कर रहे हो, क्या पता से बात नहीं होती है, क्या पता पे बात नहीं होती है, जो चीज तुमको बताई गई है उस पे बात होती है। अल्लाह ने वाज़े तौर पे बताया है कई मकामात पे, जन्नत और जहन्नम ये इंसानों के लिए है, क्योंकि अल्लाह इनका टेस्ट लेता है। अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और वमा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जानवरों को इबादत के लिए किया है, ना उनका कोई टेस्ट है, ना उनके लिए कोई जन्नत है, ना कोई जहन्नम है। ये तुम यहाँ पे भी बनाने के लिए ये पॉइंट डालने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप साबित नहीं कर सकते हो। बात ये है, आपका अल्लाह जालिम है, आप ये मान ले जालिम है, बात खत्म। इंसानों को उसने सुपीरियरिटी दी है ना, सुपीरियरिटी दी है, इंफीरियरिटी दी है, इंसानों के लिए जालिम है भाई, सुपीरियरिटी दी है, इंफीरियरिटी दी है, उस पे सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जानवरों को तकलीफ क्यों देता है, जालिम क्यों अल्लाह? सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी ये तो फिर अल्लाह जो है फिर वो आदिल भी नहीं है, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी दे रहा है जबरदस्ती। ये इस बेस पर कुरान रिजेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल आपका अल्लाह रिजेक्ट हो जा रहा है, वो जालिम साबित हो रहा है।
किस तरह जालिम साबित हुआ, आप बोल दीजिए, मान लीजिए हाँ अल्लाह जालिम है जानवरों के लिए, जो बात आती है वो इंसानों के लिए आती है। भाई आपका अल्लाह सिर्फ इंसानों के लिए है कि जानवरों के लिए भी है? अल्लाह वो सब का है मगर वो प्यार हमसे ही करता है। अच्छा जानवरों से प्यार नहीं करता अल्लाह? जानवरों को उसने बनाया हमारे लिए तो प्यार नहीं करता? ये तो कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मैं उनसे नफरत करता हूँ या उनसे इंसानों से प्यार करता है, करता है नहीं करता जानवरों से प्यार, ये अल्लाह जानता है। तो आप क्या जानते हो फिर? देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा इंसानियत के तौर पे, इंसान के लिए। ये इंसानियत कहाँ है? आपका अल्लाह जो है वो जानवरों पे जुल्म कर रहा है, ये ह्यूमैनिटी कहाँ है, ये मर्जी कहाँ है, ये जुल्म है? नहीं, इस बेस पे कुरान आप जानवरों को तकलीफ दे रहे हो, भेजा तकलीफ, और उस पे उसको कोई ना आगे जाके उसका कोई उसको अजर मिलने वाला है, ना कोई सजा मिलने वाली है, ना उसका कोई टेस्ट है, तो ये तो जुल्म ही है ना? पते? नहीं, ये आप इस बात, ये तो आप वही कह रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। बिल्कुल करो, आप मुझे प्रूफ दे सकते हैं गॉड नहीं है? नहीं गॉड है नहीं है तो ये तो सेकेंडरी सवाल है, पहले नहीं आप क्वेश्चन का जवाब नहीं है भाई, आपका अल्लाह जालिम है पहले मान लो, फिर उसके बाद गॉड है नहीं है उस पे बात कर लेंगे। नहीं मैं आपको, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं ये इसी का ही जवाब वहां से आएगा। कम कर दो, उसके बाद आप मुझसे दूसरे उस पे सवाल कर लेना, पहले ये तो कंफर्म हो गया ना कि अल्लाह जालिम है जानवरों के लिए, जालिम अल्लाह को आप मान रहे हो, तो इसके बाद मेरे से सवाल कर लो नेक्स्ट। नहीं आप सुने, इस तरह जो भी मजहब का खुदा है वो जालिम है, और अगर कोई नहीं है तब भी सब मजहब और मेरा अल्लाह जो है वो जालिम ही है, बोल दो मैं क्यों बोलूं? जो भी खुदा है वो जालिम है, मेरे साथ वो बहुत अच्छा है तो मैं क्यों बोलूं? अरे जानवरों के साथ अच्छा नहीं है ना तो जालिम है ना जानवरों के लिए, उतना बोल दो कि मेरे आपके लिए अच्छा है अल्लाह लेकिन जानवरों के लिए जालिम है। देखो इंसान तो जानवर को खाएगा, जाहिर सी बात है। अरे भाई खा ले, उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह को उसमें तकलीफ नहीं रखनी चाहिए थी, पेन नहीं रखता और खाने बोलता तो कोई मसला नहीं था, जुल्म नहीं होता, लेकिन ये तो जुल्म है कि उसको शदीद तकलीफ में भी डाल रहा है और उसके लिए कोई उस पे अजर भी नहीं है, ना जन्नत है ना जहन्नम है, कुछ भी नहीं है, ऐसी उसको तकलीफ में डाल के रखा है, तो ये तो जुल्म है उस जानवर के ऊपर। ये तो कहीं नहीं लिखा कि उनके लिए जन्नत और जहन्नम नहीं है। कहाँ लिखा है कि जन्नत और जहन्नम? क्योंकि मैं अभी आप देखो बार बार जो है ना वही राउंड में घूम रहे हैं, कुरान में ये भी नहीं लिखा जन्नत जहन्नम है उनके लिए, ना ये लिखा है जन्नत जहन्नम नहीं है, वो हमें बताया ही नहीं। कुरान में अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम का जिक्र सिर्फ इंसानों के लिए किया जी, है ना, सिर्फ इंसानों के लिए किया है, जानवरों का हमें बताया नहीं। अगर होता तो बताता ना भाई, अगर होता तो बताता नहीं, नहीं जानवरों को बताएगा कि जानवरों की जन्नत से हमारा काम क्या है? क्योंकि हम जानवरों को देखते हैं, हम उसकी तकलीफ देखते हैं, हमें पता होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट कि उसको तकलीफ क्यों दे रहा है, तो फिर वरना जो नहीं मानने वाला है ना, सुनो मेरी बात, एक इंसान जो अल्लाह को देते हो आप तकलीफ दे, सही है सही बोले। देखो अगर मैं अल्लाह को नहीं मानने वाला हूं, मेरे सामने कोई ये दलील रख रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि अल्लाह है, उसने सारे इंसानों को बनाया, उसने जानवरों को बनाया, जानवरों के अंदर इंसानों के अंदर तकलीफ की सिफत जो है उसने डाली, अगर मेरे सामने कोई आके इस तरीके का आर्ग्यूमेंट रखेगा तो मैं तो सवाल करूंगा ना कि जानवरों को तकलीफ क्यों दे रहा है अल्लाह, वो तो जालिम साबित हो रहा है, इसका आपको जवाब तो देना पड़ेगा, जो कि आपके पास जवाब है ही नहीं। नहीं नहीं आप बात सुने, हाँ आप अच्छा सही है, आप इस बात को इस बेस पे कह रहे हैं कि ठीक है, अब मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रहा, ठीक है आप बात सुने, आप इस बेस पे कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो जानवरों पे जुल्म कर रहा है, ठीक है हाँ। अब हाँ। फर्ज करें ठीक है, हमारी इंसानियत के लिहाज से वो जुल्म है, ठीक है बात सही है, हमारी इंसानियत हाँ। के लिहाज से जुल्म है हाँ। तो जो भी भगवान है या अल्लाह है, कुरान में मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, वो ठीक है हाँ। जानवरों पे अगर जुल्म कर रहा है, ठीक है हाँ। ये आपका सवाल था यहाँ पे, ठीक है आपने इसको हाँ। कह दिया ठीक है हाँ।
और दूसरे टॉपिक पे आए। नहीं, ये तो मान लिया आपने आपका अल्लाह जालिम है जानवरों के लिए, फिर दूसरे टॉपिक पे आते। ठीक है, बोलो एक बार, अल्लाह जानवरों के लिए जालिम है? जानवरों को तकलीफ दे रहा है। हाँ तो भाई जो तकलीफ दे तो वो तो जालिम ही हुआ ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अल्लाह जानवरों को तकलीफ दे रहा है, बात हो गई यहाँ तक। तकलीफ दे बिला वजह वो तो जालिम ही हुआ ना, उसको और क्या कहेंगे। सुनो मेरी बात, आपको अगर कोई बिला वजह आपकी पिछवाड़ी लाल करे तो जो पिछवाड़ी लाल कर रहा है वो जालिम होगा या नहीं होगा? आप बात सुने ना। हाँ, जानवर के लिए तो मानते क्यों नहीं हो यार, क्या तकलीफ है तुम लोगों को? मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि गॉड नहीं है, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस्लाम को? गॉड तेरा है, अल्लाह है, लेकिन वो जालिम है जानवरों के लिए, इतना बोल दे। मैं तेरे को अभी गॉड को रिजेक्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अल्लाह को मानो, लेकिन ये कंफर्म कर दो कि हाँ मैं अल्लाह है लेकिन मेरा अल्लाह जानवरों के लिए जालिम अल्लाह है, इतना कंफर्म। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला अल्लाह जानवरों को तकलीफ देता है। तो वो बिला वजह तकलीफ देना ये जुल्म है ना भाई? ये हमारे लिए जुल्म हो सकता है, आगे हमें नहीं पता अगली लाइफ में क्या है, क्या सिलसिला है। अगली लाइफ क्या है? अगली लाइफ तो सीधा कयामत है, जन्नत जहन्नम, और कौन सा तुम लोग में रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, बार बार जीना, तो बार बार मरना। भाई देखे, हाँ, कुरान में वो बेसिकली आते ही फूड के तौर पे है, आप समझ रहे हो ना। हाँ, लेकिन फूड के तौर पे आता है, उसमें तकलीफ क्यों रखा है? बिना तकलीफ के फूड बना देता, अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि वो बिना तकलीफ के फूड बना देता? जैसे सेंडा नमक कभी चाटे हो? इसकी एक वजह भाई सुन, सेंडा नमक चाटा है कभी? नहीं पता क्या होता है। रॉक सॉल्ट? नहीं, मैं नमक मतलब नहीं चाटा, ये क्या होता है नहीं पता। अच्छा, तो सेंडा नमक कभी चाटना, कोयल की तरह तेरी आवाज हो जाएगी। तो जैसे सॉल्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, पानी हो गया, ये भी आपके लिए बात सुने। ये सुन, मैं तेरे को बता रहा हूँ, सुन अच्छे से, आज तुझे जो है ना फिलोसफी समझाता हूँ। तो जैसे ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग है लेकिन बदन के लिए वो एज अ फूड भी इस्तेमाल होती है जी, ठीक है, फूड या मेडिसिन। तो उसी तरीके से अल्लाह जो है जानवरों को भी ऐसा बनाता कि उसके अंदर तकलीफ नहीं रहती और उसको ऐसा खाना बना देता, अल्लाह इस बात पे कादिर था। लेकिन अगर वो तकलीफ रखा है और ना उसके लिए जन्नत जहन्नम ना टेस्ट है, तो आपका अल्लाह जालिम है जानवरों के लिए। या बात सुने, और नहीं तो अल्लाह एक काम कर सकता था ना कि बकरे बकरे को पेग पे उगा देता। बात तो सुने, ये तो एक स्टूपिडिटी है कि बकरा पेड़ पर उगे। वो छोड़ दो यार, बकरा पेड़ पे छोड़ दो, उसके अंदर हाँ, तकलीफ नहीं रखता, खत्म। बात तो सुने। हाँ देखें, कुरान पाक की एक आयत है। हाँ, ये सूरह अहज़ाब में आती है या सूरह अनफाल में आती है या सूरह मुमतहिना में आती है कि हमने अपनी अमानत आसमानों को सौंपी, जमीन को सौंपी और पहाड़ों को सौंपी। हाँ, इंसान जालिम है, इसने उसको उठा लिया। हाँ, इस बात से अगर मैं इसको एवोल्यूशन के तौर पर ले जाऊं कि अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह की अमानत अल्लाह ताला ने क्या दिया इंसान को? क्या दिया है? इल्म दिया, नॉलेज दिया। कहाँ लिखा है इल्म दिया है? कॉमन सी बात है, अल्लाह ताला ने इंसान को खिलाफत दी है। पहले कुरान है, कॉमन सी बात नहीं करने का, कॉमन सेंस की बात नहीं करने का। आप अहले कुरान है, आपने कुरान से साबित करना है अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन में खिलाफत दी है। ओके, इंसान को नहीं दी, अल्लाह ने आदम को दी थी, आदम को दी थी, ठीक है, आदम मान लिया, ठीक है। हाँ, आदम को अल्लाह ताला ने तमाम नाम सिखा दिए। ओके, अल्लाह को कंप्यूटर, आदम को कंप्यूटर का नाम पता था? अल्लाह को आदम को ये बैक्टीरिया का पता था, कोविड का पता था, ये सब नाम के बारे में? बात तो सुनो, आप बात बीच में काट रहे हैं। हाँ, आदम को ये चीजें सिखा देने का मतलब है जो आदम पूरी स्पीशीज है ना, जो उस आदम से चली थी, जो जिसको खलीफा बनाया है, तो बैक्टीरिया का मालूम था आदम को? आज हमको मालूम है ना, आदम को मालूम था क्या भाई? तू आदम है?
हम आदम है ना, आदम जात नहीं है? नहीं, हम सब आदम की स्पीशीज से हैं भाई, आप बात ही नहीं समझ रहे हो। अरे तू बोल रहा है आदम जो है, आदम एक स्पेसिफिक पर्सन था कि सारे इंसान आदम है? आदम एक स्पेसिफिक पर्सन था। हाँ तो उसको सिखाया था ना, तू थोड़ी ना वो स्पेसिफिक आदम है उसको। ये अल्लाह ताला यही बता रहा है कि हमने आदम को सिखा दिया, मतलब उसके वो जो अल्लाह ताला ने चीज बनाई है उसके अंदर डाल दी है कि जो उससे आगे नस्ल है। ये कहाँ लिखा है कि उसके अंदर चीज डाल दी है? अच्छा एक बात बता, एक इंसान जो अभी पैदा हुआ है जिसको अगर पढ़ाई लिखाई कुछ ना मालूम की जाए तो तेरे हिसाब से उसको तो सारे नाम पता होने चाहिए। अभी किसी मोमिन को खड़ा करके मैं कोई बैक्टीरिया का नाम पूछूंगा तो बताएगा वो? भाई इसका ये मतलब नहीं है कि ये इलम की बात है, ये उसके ऊपर तो इलम के अंदर। भाई तूने बोला कि आदम के अंदर, बताइए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। नहीं सुन मेरी बात सुन, एक्चुअली तुम फंसते जा रहे हो। आपने ये कहा कि आदम को अल्लाह ने सारी चीजों के नाम बता दिए और आदम से मुराद जो है वो सारे इंसान है, फिर तुमने कहा कि सारे इंसानों के अंदर ये डाली है। मैं कह रहा हूँ कि किसी मोमिन को उठा के, ये जो हमें स्क्रिप्ट बताया जाता है ना कि जब आदम ने फल वगैरह खाया, ये एक हमें चीज बताई जाती है, ये मुहावरतन बात है। भाई वो मुहावरा छोड़ दे, अभी तूने जो आर्गुमेंट रखा कि आदम को सारे नाम, कोई सिंगल आदम हो ही ना। नहीं ऐसा भी हो सकता है, कोई सिंगल आदम हो ही ना, वो कुछ भी हो सकता है। तू कह रहा है कि आदम को सारे नाम सिखा दिए और तूने आदम से सारे आदम को ले लिया। हाँ? आदम का मतलब है आदम जो पूरी स्पीशी है उसको। हाँ तो पूरी स्पीशीज में ही तू भी है ना शामिल जी, तो तेरे को भी अल्लाह ने सारे नाम बता दिए, तेरे अंदर डाल दिए। वो नाम सिखा दिए जो जो मलाइका नहीं बता पाए थे। अच्छा सब नहीं सिखाए? सब नहीं, हमारा इल्म तो बहुत कम है अल्लाह के सामने। तो तू तो बोला सारे नाम सिखा दिए, और ये कहा है कि जो मलाइका को नहीं पता था वो खाली नाम सिखा, ये कहां पे कुरान में जरा बता। कितने बार स्टेटमेंट चेंज करेगा भाई? भाई वहां पर लिखा वो नाम मलाइका नहीं बता पाए थे ना। हाँ लेकिन वो नाम जो मलाइका नहीं बता पाए थे उतने ही नाम आदम को सिखाए, वो बता जरा किधर से लिया तूने ये? भाई आप बात को समझे ना, मलाइका से वही नाम पूछे थे ना जो आदम जो है, जो आदम ने जो आदम को सिखाए थे। हाँ तो सही बात है, तूने और आदम को सारे नाम सिखाए थे अल्लाह ने कहा। हाँ जो आज तो हमें सारे पता नाम है। अगर सिखाए थे, हाँ सारे नाम सिखाए ना भाई अल्लाह ने जी, तो तू कह रहा है कि तू सब जितने भी तेरी कौम वाले सारे आदम है, तो अब किसी बेवकूफ आदम को उठा के मैं अगर कोई बैक्टीरिया का नाम पूछूं? आदम एक बंदर नहीं है ना। नहीं आदम एक बंदर नहीं, वो पूरी स्पीशी है, पूरी स्पीशी में से स्पीशी। मैं समझ गया, मैं स्पीशी, उस स्पीशी में तू है क्या नहीं है? उसमें सब इंसान आ जाते हैं। तो सब इंसान अभी ते को अगर लेके मैं कोई माइक्रोस्कोप में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाऊं तो उसका नाम बता पाएगा तू? आदम में से एक को हमने सारे नाम सिखा दिए, टोटल आदम जात जो है उस सबको। अरे तू पागल इंसान, सबको में तू है ना, तेरे को भी सब नाम आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? ये तो लिखा ही नहीं है कि आदम के अंदर से जो एक है उसको सारे नाम सिखा दिए कि हर एक, एक। अरे सबको सिखाए क्या, कुछ लोगों को सिखाए रे भाई? भाई आदम जो स्पीशी है पूरी जो स्पीशी, हाँ, आपको बात समझ आ गई है? तो तू उस स्पीशी में है क्या नहीं है? क्या आज आदम जानता है बैक्टीरिया को, आदम जानता है सैटेलाइट को, ये सब आदम नहीं जानता है? साइंटिफिक साइंस वाले जानते हैं, तुम जैसे गधे नहीं जानते। साइंस वाले आदम में नहीं आएंगे? पूरे आ रहे हैं, पूरे इंसानियत आदम में आएगी। तो उसमें तू है क्या नहीं है? सबको आने चाहिए ना वो नाम। ये कहां लिखा है कि इस आदम के अंदर जितने भी हैं उन सबको सिखा दिए, जो आदम स्पीशी नॉलेज है? ये कहां लिखा है कुछ कुछ लोगों को सिखाया? यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं लिखा हुआ। तो ये भी नहीं लिखा है ना कुछ कुछ लोगों को सिखाया? तुम लोग इतनी चालाकी क्यों करते हो? आपको बात समझ नहीं है, मैंने ये भी नहीं कहा कुछ कुछ को सिखाया कुछ कुछ को नहीं सिखाया। तो वो छोड़ दे अभी, ये बता के तेरा, पहले ये बता के तू तेरे ये मानता है कि तेरा अल्लाह जानवरों के लिए जालिम है? ये वही बात चल रही थी। क्या तू ये मानता है ना कि तेरा अल्लाह जानवरों के लिए जालिम है? आप बात तो सुने ना,
अगर अल्लाह ताला ने एवोल्यूशन को रखा था, तमाम जानदार एवोल्यूएट हुए हैं, ये कुरान में किधर है एवोल्यूएट हुए? हमने अपनी अमानत आसमानों जमीन पहाड़ में सौंपी, मतलब ये एवोल्यूएट हुए, ये किधर है, ये कहां है कुरान में एवोल्यूएट हुए? तो भाई ये अमानत अल्लाह ताला ने अपनी आसमान जमीन पहाड़ों में सौंपी है, वो इल्म ही था ना इंसान ने, लेकिन एवोल्यूशन कहां से आ गया इसमें? तो ये एवोल्यूशन है ना कि अल्लाह ताला ने इंसान सब में सौंप दी, इंसान ने उसे उठा लिया। अरे अच्छा चमाटा तेरे को अभी मारने का दिल कर रहा है या कई कोई गाय ने, कोई गाय ने इल्म को उठाया? एवोल्यूशन कहां से आया भाई? एवोल्यूशन आया ना कि हमने अपनी अमानत आसमान, क्या अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि अल्लाह ने एवोल्यूशन के जरिए से ये स्पीशीज को आगे बढ़ाया, किधर है? कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मैं बशर को बनाने लगा हूं, ठीक है, तो जब मैं उसको सवार हूं, हाँ मतलब संवरा हुआ नहीं बनाया, जंगली था, क्या था? जंगली था क्या जो संवरा नहीं था? वो तुझे बताना है, वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब वो पहले जंगली था कि उसको अल्लाह ताला ने फिर संवारा है। तेरा अल्लाह जो है इतना बेकार क्रिएटर है कि एक बार वो बनाता है आड़ा टेढ़ा और उसके बाद उसको दुरुस्त करता है, इतना इतना बेकार सा क्रिएटर है, पहले इम्परफेक्ट चीज बनाता है और उसके बाद दुरुस्त करता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने आदम को दुरुस्त किया, आदम को दुरुस्त किया मतलब वो जंगली था, जंगली था आदम, जिस तरह ये जितने भी आदम स्पीशी है पूरी। भाई लोग आदम जंगली था भाई, आपको बात समझ नहीं आ रही। लो भाई आदम जो है ना वो जंगली था, जंगली। आप तो जिस एक आदम को खड़ा कर रहे हो ना, एक इंसान को कह रहे हो वो जंगली था, ठीक है, हाँ। तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा, हजरत आदम जंगली था क्या? हजरत आदम मैं कह रहा हूँ कोई है ही नहीं। अच्छा फिर कौन है आदम? तो एक स्पीशी है, दोनों हाथों से बनाया, तू कह रहा है कि कोई नहीं है, तो ये कोई नहीं को अल्लाह दोनों हाथों से बना रहा है? पहले ये देखें कहां पर लिखा हुआ है दो हाथों से बनाया, हाथों से नहीं बनाया, आप पहले आयत तो दिखाएं। अच्छा रुक, ये जितने भी कुरानिस्ट आते हैं सहल भाई, ये दिमाग से पूरे पैदल होते हैं, दिमाग से पैदल होते हैं तभी तो कुरानिस्ट बनते हैं। इनसे कम से कम देवबंदी बरेलवी थोड़े ढंग के होते हैं, ये तो बिल्कुल पैदल हाँ। होते हैं। अरे रुक जाओ, इसको साद की 75, एक मिनट रुको, ये देखो, एक मिनट मैं फुल स्क्रीन कर लूं, आप अरेबिक दिखाएं जी। कौला या इब्लीस मा मनाका अन तसजुद लिमा खलक्तु बियदै अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। अल्लाह आस्क इब्लीस, व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम प्रोस्ट्रेटिंग टू व्हाट आई क्रिएटेड विद माय ओन हैंड्स? डिड यू जस्ट बिकम प्राउड? और अल्लाह ताला कहता है कि दाऊद जो था वो हाथों वाला था, हाथों वाले तो सारे थे, पावर वाला था, अपनी पावर से बना। भाई भाई इधर अल्लाह क्या कह रहा है कि मैंने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से। मैं दाऊद जो था हाथों वाला था, ये इडियम्स में बात है, नहीं ये कहां से इडियम हो गया? भाई इडियम कहां से हो गया? ये अरबी में इसको इडियम कहते हैं। सुन, अरबी में ये चीज को इडियम कहते हैं। जरा मेरे को बता कौन सी अरबी की डिक्शनरी से तूने ये निकाला कि इसको इडियम कहते हैं?
भाई कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इसको काफिर पहुंच नहीं सकते, मुशरिक पहुंच नहीं सकते। ये idiom है, ये metaphor है, ये कहां से कौन सी dictionary से तुझे मालूम पड़ा जरा ये बता। क्योंकि जो metaphor होता है, जो idioms होते हैं, जो कहावत होती है लैंग्वेज में, हाँ, वो documented रहे भाई। पूरा कुरान जो है idioms में है। किधर है ये पूरा कुरान idioms में है? इसकी दलील कहाँ पे है? कहाँ अल्लाह ने बताया कि पूरा कुरान idioms में है? कुरान पाक में लिखा हुआ है फी किताब मकनून, हाँ, छुपा हुआ है। क्या मतलब है कि ये कुरान idioms में है, इसको ये कुरान छुपा हुआ है। एक मिनट, आयत का नंबर बता। ये कुरान छुपा हुआ है कहाँ अल्लाह बता रहा है? आप अगर इसको देखेंगे मकनून वर्ड कहाँ कहाँ आया तो फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे को रेफरेंस दे, एक मिनट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए। ये कुरान छुपा हुआ है, हमको तो सामने नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि ये कुरान छुपा हुआ है। यार कसम से ये कुरानिस लोग इतने बेवकूफ होते हैं ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। हद तो आपकी नहीं है, आप कह रहे हो कि अल्लाह बार 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 इजहार कर रहा है। तू मेरे को आदत इसकी आयत बता भाई। कुछ भी चीज को उठा के ईडियम बना देने का। आप मेरे लिए आयत निकाल सकते हैं? हाँ बोलिए कौन सी वाली। आप मकनून वर्ड को चेक करें कहां कहां पर आया, मेरे ख्याल में कम ही आया भाई। वो तेरा काम है, जाके तू चेक कर मकनून वर्ड कहां कहां आया है, जाके तू चेक कर बता। आप निकाल कर नहीं दे रहे, हमें तू दलील दे रहा है तो सही है, मैं देखता हूँ। हाँ देख के जल्दी दो। तो सुपर चैट लेते हैं। कुरान जो है छुपा हुआ है ये हमको भाई जो है अभी बताएंगे। कुरान में अल्लाह कहता है कुरान छुपा हुआ है, छुपी हुई किताब को ये लोग मान के चले। सूरह वाकिया 78। कुरान छुपा हुआ नहीं है, उसके जो अल्लाह ताला ने कहा जो वर्ड्स है ना उसके जो छुपे हुए वाकिया ना। एक मिनट रुको, वाकिया की कितनी? 78। हाँ फी किताबी मकनून, इन्हें वेल प्रिजर्व रिकॉर्ड बताया है। ये छुपा हुआ कहाँ है? इन अ रजिस्टर वेल प्रोटेक्टेड। आप एक मिनट। इन अ प्रोटेक्टेड बुक, इन अ प्रोटेक्टेड रिकॉर्ड। ये तो आप इन अ वेल गार्डेड बुक। नहीं ये हाँ। हाइडन कहाँ से आ गया? In a book kept hidden. अबे hidden, in a book kept hidden है। उसके अंदर की बातें छुपी हुई करके नहीं लिख रहा है। हाँ? नहीं। क्या कह रहा है? ये तो किताब जो होता है इसका मतलब ही होता है लिखा हुआ। नहीं नहीं ये तूने जो कहा कि उसकी बातें जो है वो छुपी हुई है, ये कहाँ पे है? यहाँ पे तो अल्लाह कह रहा है इन अ बुक केप्ट हिडन, वो भी एक ट्रांसलेशन है। बाकी सारी ट्रांसलेशन अगर आप देखोगे भाई ये देख क्या लिखा हुआ है। इट इज श्योरली द नोबल कुरान इन अ रजिस्टर वेल प्रोटेक्टेड इन ए वेल प्रिजर्व रिकॉर्ड। आपको अरबी आती है? हाँ आती है। अच्छा जितनी समझना उतनी आती है। और मेरे पास तर्जुमे भाई, मेरे पास वीडियोस में आपकी अरबी खराब होती है। आपकी इतनी वीडियोस में आपकी अरबी खराब होती है भाई। भाई तू यहाँ पे जो है ना गेम डालने की कोशिश मत कर। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि कुरान जो है भाई, सुन मेरी बात, तुमने ये दावा किया था कि कुरान जो है वो ईडीएम में है पूरा कुरान, इसकी दलील हाँ। कहाँ पे है कुरान ईडीएम में? तो मैं आपको बता रहा हूँ, फी का मतलब होता है बीच, किताब हाँ। लिखा हुआ, मकनून छुपा हुआ। क्या फी का क्या मतलब होता है?
फी का मतलब होता है बीच, इस फी बीच होता है जी। यार किधर से अरबी सीखा तूने? फिस समा, आसमानों में, बीच में, आसमान में। तो ये बीच का है, बीच कहाँ से आ गया ये? कौन से कौन से सिखाया था भाई? हम जब उर्दू कौन सिखाया पहले ये बता, अरबी कौन सिखाया तुझे? उर्दू के अंदर हम बीच लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं ये किसी चीज के अंदर के लिए करते हैं। अरबी किसने सिखाया? आपको समझ नहीं आई? आपको बात समझ नहीं आई? अरबी किसने सिखाया पहले वो बता। अरबी भाई आपको बात समझ नहीं आई है? अरबी किसने सिखाया तुझे वो बता, अरबी आती है तुझे? आप बात जो थी आप उससे हट गए। अरबी आती है तुझे? जी मुझे कुरान के वर्ड्स आते हैं, पूरे कुरान के अरेबिक, पूरे कुरान के आते हैं। ओके मैं एक आयत तेरे सामने पेश करता हूं, इसको ट्रांसलेट करके बता। रखें इसको, पढ़ और ट्रांसलेट कर। अच्छा एक एक वर्ड ट्रांसलेट करते जा, स्क्रीन पे है, जल्दी से। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें फितवा देता है तुम्हारी औलादों के बारे में। हाँ लिज़्ज़करे मर्द, क्या क्या देता है फिर से कर? फितवा देता है, ऑर्डर देता है, एक कमांड देता है। हाँ ठीक है, लिज़्ज़करे मर्द के लिए मिसलो, हाँ अच्छा मर्द के लिए दुगना है औरतों के निस्बत, मर्द के लिए दुगना है औरतों की निस्बत, मर्द के लिए दुगना है औरतों की निस्बत जी, ऐसा लिखा हुआ है क्या? ऐसा लिखा हुआ है मर्द के लिए दुगना है औरतों की निस्बत जी। ओके आगे। अच्छा अच्छा एक मिनट, अगर एक ही औरत हो, नहीं नहीं अरबी पढ़ते जा और मतलब बताते जा। अच्छा फइन कुन्ना, बस अगर हो, हाँ निसान एक ही औरत, हाँ फौकस नतैन, अब यहाँ पे वर्ड अगर हो एक ही औरत, हाँ ऐसा है बस नहीं उधर, क्या ऐसा है ही नहीं उधर तर्जुमा, फिर से कर। फइन कुन्ना, बस अगर हो निसान एक ही औरत। अबे जाके जो उस्ताद तेरे को सिखाया हुआ है ना, मैं किसी को कोई उस्ताद नहीं है। निसान तो सीखा कहां से अरबी? नहीं ये अरबी सीखा कहां से तुमने? कुरान पढ़ पढ़ के आ जाती है अगर आप तर्जुमे के साथ इसको लगातार काफी टाइम। ये हाल है नहीं, इसी वजह से तेरा ये हाल है, कुरान पढ़ पढ़ के नहीं आती है। आप इसके ट्रांसलेशन देखो, कुरान पढ़ पढ़ के अरबी नहीं आती है। ये तो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि आपको नहीं आई है। अबे गधे कुरान पढ़ पढ़ के तेरे को अरबी कैसे आएगी? तो तुझे भी तो नहीं आई ना, मैं जीसस क्राइस्ट को बनाता हूं। नहीं एक मिनट, तुम कह रहे हो कि मोहम्मद जीसस क्राइस्ट गधे अल्लामा जस्टिस है। हाँ अरे वेलकम अल्लामा जस्टिस साहब जी। साहिल भाई थैंक यू मेरे को लेने के लिए। अमित भाई, साहिल भाई आप लोग कैसे? एकदम मस्त। आप लोगों को ये गधे को अरबी पढ़ पढ़ के, भाग गया गधा भाग गया, पढ़ पढ़ के इसको अरबी आई है। यानी मैं अगर सिर्फ एक चीज रीड करना सीखूं तो वो रीड करते करते मेरे को वो लैंग्वेज आ जाएगी, अनलेस एंड अंटिल मेरे को कोई उसका मतलब ना बताए। कितने झूठे और मक्कार लोग हैं लोग, और तर्जुमा भी इसे गलत कर रहा है, इसको अरबी आती नहीं है। इनके जो बाप है उन्होंने पूरा तर्जुमा करके रखा है, ये उससे हटके ये जो है वो तर्जुमा करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मर्जी का। एक औरत अल्लामा साहब, यहाँ पे एक औरत है नहीं, यहाँ पे निसा ये जमा का वर्ड है, प्लुरल नंबर है। फइन कुन्ना निसा अन है, इसने बताया एक औरत। हाँ एक औरत नहीं, अगर वो औरतें दो से ज्यादा फलाहुन्ना सुलुसन, तो उन्हों के लिए होगा वन थर्ड, मातरा का
जो मैयत ने छोड़ा है, ऐसा होगा तर्जमा। इसका तो तर्जमा नहीं आते, लेकिन वो तो बहुत बहादुरी कर रहे हैं, मैं सुन रहा था इसलिए मैं दाखिल हुआ कि इसके साथ थैंक यू थोड़ा थैंक बातचीत करो, लेकिन वो तो भाग गया। भाग गया हो क्योंकि समझ गया हो कि मैं जो है ना पकड़ा गया हूँ, मेरे को अरबी अरबी आती नहीं है। असल में मामला ये होता ही है अहले कुरान वालों का कि ये इस्लाम के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, हदीसे जो आते हैं, इससे तो ये बाहर निकल जाते कि यार इसमें गंदगी फैली हुई है, इसको नहीं मानने का। लेकिन जब कुरान की बात आती है तो जलेबी बनाते हैं। गंदगी कुरान में भी है, उसको भी मानो, तुम अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करोगे।